हेलो एवरीवन, दिस सरस्वती कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड हमने आज डिस्कस करना है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, अगर बात आ जाए एक्सपेंडिचर मेथड को, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी बात आती है एक्सपेंडिचर की तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होता है। मतलब नॉर्मली एक्सपेंडिचर दो ही टाइप के होता है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि या तो हम खाने पीने के लिए खर्चा कर रहे होते हैं या फिर हम रहने सहने के लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि घर बना रहे हैं या फिर बिजनेस है तो हमारा पूरी बिल्डिंग सेटअप कर रहे हैं, रोड वगैरह के लिए, मतलब हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो या तो कंजम्पशन के लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मेथड के दूसरे नाम है कंजम्पशन मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजेबल मेथड। तो कहता है कि जब भी हम एस्टिमेट करेंगे एक्सपेंडिचर जितना भी लगा फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में एक साल के अंदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ GDP के इक्वल, यानी कि GDP एट MP। और GDP एट MP एक बार आ जाए तो हम उसको अपने आप एडजस्ट कर देते हैं NNP एट FC तक, मतलब नेशनल इनकम में तो हम अपने आप कन्वर्ट कर देंगे। बात की ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम पे आपको सबसे पहले मिलेगा GDP एट MP, यानी कि जब आप सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, GDP एट MP निकल के आ जाएगा और आपको नेशनल इनकम तक जाने के लिए जो भी एडजस्टमेंट करने आप वो कर लोगे। तो अब फाइनल एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया गया है कि कौन सा फाइनल एक्सपेंडिचर को हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट यानी कि हम लोगों के थ्रू किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, चाहे कि कंज्यूमर सर्विसेज पे कर रहे हैं, चाहे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे कर रहे हैं जैसे कि बटर है, मिल्क है, ठीक है, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स पे कर रहे हैं जो कि रिपीटेडली यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, वॉशिंग मशीन है, यानी कि या कंज्यूमर यहाँ पे किसी भी चीज़ पे कर रहा है एक्सपेंडिचर, ड्यूरेबल गुड्स पे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फिर कंज्यूमर सर्विसेज के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, जो कि मेनली कंजम्पशन से रिलेटेड है और एक कंज्यूमर कर रहा है तो उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर वो सारा आ जाएगा एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट ने परचेज़ किया है, चाहे फिर उस गुड्स को परचेज़ किया है उन्होंने डिफेंस के लिए या फिर उस गुड्स को परचेज़ किया है जो जैसे राशन शॉप्स होते हैं या BPL के को बांटने के लिए। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फिर हमारा नेक्स्ट आता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर हम दो टाइप में इसको क्लासिफाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड यानी कि फिक्स एक्सपेंडिचर, जैसे जो हमने फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए जो लगाई वो इन्वेस्टमेंट। अब जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी वो भी तीन तरीके, मतलब तीन टाइप में क्लासिफाई की जाएगी, एक तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड एंड थर्ड इज पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। मेन बात क्या भाई, जब इन्वेस्टमेंट की बारी आ गई तो एक तो आप अपना खुद का घर बना रहे हो वो, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। दूसरी वो एक्सपेंडिचर आप जो फिक्स एक्सपेंडिचर आपने किया बिजनेस के लिए तो वो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और बाकी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो आ जाएगा हमारा पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद अगर हम नेट एक्सपोर्ट भी ले लें, यानी एक्सपोर्ट को ऐड कर दें, इम्पोर्ट को लेस कर दें और फिर इन सारी चीज़ों को जोड़ दें तो हमारा निकल के आ जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, डेल्टा स्टॉक यानी कि, ठीक है, चेंज इन स्टॉक, और फिर प्लस कर देंगे नेट एक्सपोर्ट्स तो हमारा आ जाएगा GDP एट MP। और GDP एट MP एक बार आ गया तो फिर हम जाएंगे NNP एट FC पे। GDP एट MP आया तो सबसे पहले क्या करेंगे, जी से एन पे जाना है तो ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए डेप्रिशिएशन लेस, देन नेट NDP एट MP आ गया और NDP एट FC पे हमें जाना है तो MP से FC पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस, देन फिर हम क्या करेंगे NDP एट FC से NNP एट FC पे जाना है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, हम आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम NNP एट FC। समझ आया, मेन बात जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसके अंदर हमने हर टाइप का एक्सपेंडिचर लेना है।
मेन जो एक्सपेंडिचर के हेड है वो चार है कि अगर ये चारों दे रखे हो तो आपने बस ये चारों ऐड कर देने हैं। कौन कौन से चार है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जिसका पार्ट है, और देन नेट एक्सपोर्ट। अब इनके अंदर जो जो टर्म्स आए थे आई थिंक मैंने क्लियर की। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब रितिक कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।